माध्यम से लाठी से लोग मार मार कर मुआ रहा है, मगर कोई थोड़ा भी उसमें दर्द नहीं आया। अनंत सिंह पर सरकार ने कार्रवाई की है, ठोस कार्रवाई, क्या लगता है राजनीतिक स्टंट है या फिर? अब देखिए उसमें तो सरकार की कुछ कमी है, जैसे हम तो लालू प्रसाद यादव जी भी इस पर बोले कि हम नीतीश कुमार पर दबाव बनाए, दबाव बनाने के बाद वो गिरफ्तारी हुआ। नीतीश कुमार जी भी दूसरा दिन खंडन करते हैं कि हम भाजपा और लालू यादव के प्रेशर और दबाव में कोई काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। आज यदि लालू प्रसाद यादव जी दबाव करते तो वो जो यादव संजय का हत्या हुआ है बाढ़ में, उस हत्याकांड में आनंद सिंह को गिरफ्तारी हुई होती तब यह मान लिया जाता, लेकिन यह नहीं हुआ। यह तो पहले होना चाहिए। यह समझिए कि बिहार के नेताओं जो एक नंबर की कुर्सी पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो हम 20 साल 25 साल से देख रहे हैं। एक एक इंटरनेशनल गुंडा पालने का यह लोग का शौक बन गया है, और जब तक इंटरनेशनल गुंडा एक एक पालते रहेंगे यहाँ के नेता, तब तक बिहार से अपराध मुक्त बिहार नहीं हो सकता है, न भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, न लूटपाट अपहरण कम हो सकता है। गठबंधन पर क्या प्रतिक्रिया है, जो जदयू और आरजेडी का जो गठबंधन हुआ है? देखिए गठबंधन में अभी बहुत समस्या है। गठबंधन में हम लोग यादव परिवार के हैं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी भी यादव परिवार से आते हैं। यादव में और कुर्मी समाज में बहुत अंतर पड़ता है, इसलिए कि कुर्मी समाज हम लोग को मानता नहीं है, ना यादव कुर्मी को मानेगा, इसलिए वोट ट्रांसफर कराना बहुत भारी कठिन चीज है, यह संभव नहीं। लेकिन सर विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का लहर कितना चलेगा? पहले जो हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो लहर चला, हम लोग लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव में, समझ में नहीं आया, आज आंधी चल गया आज, जिसके कारण से हम लोग का चुनाव में हार हुआ। तो अभी 1.5 साल 2 साल करीब करीब बीतने जा रहा है, जितना लोगों की उम्मीद थी उनसे वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। यह बॉर्डर पर रक्षा करने की बात है, प्रतिदिन देश के बॉर्डर पर अभी खतरा हो रहा है, लोग मरा रहा है, लेकिन इस पर कभी अभी आम पब्लिक लोग समझने लगा, इसलिए पहले की जो लहर था वो लहर अभी नहीं है, कम हुआ है, कम। धन्यवाद।